परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. इट मीन्स देखो, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने यूनिट टू में? यस मैम, है ना. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था. अब क्या है, वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का परफॉर्मेंस. तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है पता है? गुड्स की डिलीवरी से, डिलीवरी ऑफ गुड्स. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कोरिलेट कर रही हूँ? बताओ समझ रहा है? आकांक्षा, अपर्णा, प्रशांत, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम, है ना. परफॉर्मेंस जो किया था हमने कॉन्ट्रैक्ट में, तो सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस क्या होता है? गुड्स की डिलीवरी करना. ठीक है, अब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे पता है? अब इसमें सेम होंगे पॉइंट्स. जैसे देखो, अब इसमें एक स्टडी करते हैं एक चीज. देखो, हम परफॉर्मेंस जो पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या पढ़ रहे हैं देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. और मैंने अभी बताया कि परफॉर्मेंस कैसे होगी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में, डिलीवरी से. तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिलीवरी क्या होता है. डिलीवरी मीन्स क्या? अ पर्सन जिसके पास गुड्स हैं, ठीक है, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के पास. वो क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है. ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. नेक्स्ट क्या हो रहा है? ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके पास उसको उसके राइट्स मिल रहे हैं. ठीक है, पोजीशन, अ पर्सन हैज पोजीशन ऑफ द गुड्स, अधिकार है ना. और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? सच पर्सन डस सो वॉलंटरली, अपनी मर्जी से करेगा, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करेगा. सच पर्सन डस सो वॉलंटरली. तो पहले क्या होगी? डिलीवरी होगी. डिलीवरी कैसे की जाती है? अगर हम किसी गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं तो जो सेलर है उसके पास पोजीशन है गुड्स का, वो उन गुड्स को अपनी मर्जी से, मर्जी मीन्स वॉलंटरली, उसके पास जो गुड्स हैं वो उसको उनको दूसरों को दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है उस गुड्स को, वो भी वॉलंटरली. अब देखो डिलीवरी कितने टाइप की होती है? थ्री टाइप्स की. फर्स्ट दिया है एक्चुअल डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी का दूसरा नाम होता है इसमें फिजिकल डिलीवरी. फिजिकल डिलीवरी क्या होता है? ऐसी डिलीवरी में जो फिजिकल ट्रांसफर होता है गुड्स का. सपोज अगर हमको रेडीमेड सूट्स का ऑर्डर था तो हम गए सामने वाले से शॉप से सामान ऑर्डर किया, उसने बोला कि मैं एक हफ्ते के बाद इसको आपको भेज दूंगा, तो फिजिकल डिलीवरी है ना, हाथों हाथ या नेक्स्ट डे या एक आध हफ्ते के बाद गुड्स एक्चुअल में डिलीवर हो रहे हैं किसके पास? बायर के पास. तो वो हो जाती है एक्चुअल डिलीवरी. नेक्स्ट देखो सिंबॉलिक डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है? ऐसी डिलीवरी जिसमें हम फिजिकल चीजें ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है, हम फिजिकली तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसका कंट्रोल दे सकते हैं. अब इसमें समझो कैसे कंट्रोल देंगे. इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी को. सपोज टिम्बर. टिम्बर क्या होता है? टिम्बर क्या है बताओ? मैम वो पेड़ की लकड़ी. लकड़ी, ठीक है, तो वो टिम्बर है. सपोज अगर हमने सामने वाले को ऑर्डर दिया कि हमको टिम्बर चाहिए, तो सामने वाला खुद तो लेके नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको उठाना बहुत मुश्किल है. तो वो क्या कर देगा? उस वेयर हाउस की सपोज अगर चाबी दे देता है, तो वो की दे देता है हमको, तो उससे क्या होता है समझो, हमको वो कंट्रोल दे रहा है उस चीज का. ऐसी डिलीवरी ये सिंबल है. ठीक है, जो टिम्बर हमने परचेज किया या सेलर ने सेल किया, वो क्या हुआ? वो गुड्स है लेकिन
उसकी हमको क्या मिल गई, चाबी। तो ये उसकी की उसको दर्शा रही है, सिंबल कर रही है। तो ऐसे गुड्स जिसमें फिजिकली डिलीवरी नहीं कर सकते लेकिन हम उसका कंट्रोल दे रहे हैं, हम उसकी चाबी देके हम उस वेयर हाउस का सामने वाले को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल दे रहे हैं। तो वो कौन सी डिलीवरी हो गई, सिंबलिक डिलीवरी। थर्ड है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम होता है एटोनमेंट। ठीक है, AWONMENT। ऐसी डिलीवरी में क्या होता है, गुड्स जब डिलीवर होते हैं तो उसकी जो कस्टडी होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। सपोज ए ने सेल किए 50 bags ऑफ राइस, है ना, किसको, बी को, 50 बोरी किसकी, चावल की, जो कि कहाँ रखे हैं, सी के वेयर हाउस में, जो सी के गोडाउन में रखे हैं। फिर से ध्यान से समझना है एग्जाम्पल को। देखो मैं यहाँ पुराना वाला रफ कर रही हूँ ना। ए बी को 50 बोरी गेहूं की, इट मींस ए सेल्स टू बी 50 bags ऑफ राइस। वो कहाँ पे रखे, राइस सी के गोडाउन में, वेयर हाउस मींस गोडाउन में। नेक्स्ट देखो, ए ऑर्डर देता है सी को और उसको बोलता है कि तुम ट्रांसफर करो गुड्स को, ट्रांसफर द गुड्स टू बी, और सी एसेंट मतलब हाँ देता है ऐसे ऑर्डर को और ट्रांसफर कर देता है गुड्स को बी। ठीक है, इट मींस ऐसे डिलीवरी क्या हुई, कंस्ट्रक्टिव, चेंज इन पोजीशन विदाउट एनी चेंज इन एक्चुअल कस्टडी। देखो एक्चुअल कस्टडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बेच कौन रहा है, ए, लेकिन जा कहां रहा है सामान, सी से किसके पास, बी में। तो जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है ऐसे को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ डिलीवरी। अब इसमें नेक्स्ट देखो, डिलीवरीज में कोई डाउट है, अब देखो रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी देखेंगे। तो रूल्स क्या हो सकते हैं डिलीवरी के, बताओ, एज्यूम करो क्या होंगे रूल्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी होती है तो साथ साथ पेमेंट भी होगी, देखो क्या यस लिखा मैम। है, ऑन करेंट मतलब एक साथ, डिलीवरी है तो पेमेंट मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशंस। तो ये पहला रूल होता है। दूसरा देखो, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, मोड्स ऑफ डिलीवरी, कौन सा मोड ऑफ डिलीवरी चूज कर रहे हैं हम, जैसे एक्चुअल है, जैसे अभी हमने स्टडी किया फिजिकल बोलते हैं जिसको, सिंबॉलिक है या फिर कंस्ट्रक्टिव है। अभी हमने जो टाइप्स ऑफ डिलीवरी पढ़ा ना उस टाइप्स को मोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी क्या होता है। पार्ट डिलीवरी मैंने बताया है, पार्ट वर्ड का मीनिंग बहुत पहले ही, पार्ट इट मींस पार्टली, मतलब अगर कोई चीज 100% है तो अगर हम उसका 60 दे रहे हैं, 40 नहीं, 20 दे रहे हैं, 80 नहीं दे रहे हैं, तो ये पार्ट में है ना, 60 पार्ट बाद में, 40 20 बाद में, 80 बाद में,
एक्सप्लेन किया है ना मैंने ये क्लास में आप लोगों को पार्टली की मीनिंग। तो अगर गुड्स कोई ऐसा है, सपोज अगर हमने 100 kg का कुछ ऑर्डर दिया लेकिन वो चीज ऐसा है कि अभी हम उसको 20 दे पा रहे या फिर बाद में 40 फिर थोड़ा सा 10, तो जैसे उस पूरे को कंप्लीट करना है किसमें 100% तक, तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो उसको 2 parts में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब पार्ट डिलीवरी हो रही है तो उसको एक बार ट्रीट करेंगे एज अ होल। ठीक है, वाले में नो मैम। प्रशांत कोई डाउट है इसमें? हर्ड नो मैम। तो एग्जाम्पल दो मेरे को। चलो अगर थोड़ा सा डिलीवरी ले रहे हैं कुछ पार्ट में लेकिन उसको कंसिडर कर रहे हैं कि पूरा 100% डिलीवरी हो चुका है, और दूसरी सिचुएशन क्या है इसमें, हम पार्टली ले रहे हैं तो हम उसको पार्टली ही कंसिडर करेंगे। कैसे? कैसे होगा बताओ। सपोज आप लोगों का सामान ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है, और डॉक पे पड़ा है। मैंने डॉक की मीनिंग बताई है ना, जो पोर्ट्स वगैरह पे गोडाउन रहते हैं। तो वहां पर अगर आपके नाम से सामान आया हुआ है और आप लोग जाते हैं सपोज और उसमें से 10 quintal लेके आ जाते हैं, तो देखो वो जो डॉक में सामान रखा है वो आप ही के नाम से रखा हुआ है, वो पूरा का पूरा आपका है। आप जब तक उसको खाली करना चाहें ये आपके ऊपर है। तो अगर आप अभी उसमें से सिर्फ 10 quintals निकाल रहे हैं, देखो पार्ट में 100 quintals हैं उसमें और आप अभी सिर्फ उसमें से 10 quintal निकाल रहे हैं, तो वो आपका इशू है। आप जितना भी निकालो वो डिलीवरी उसमें क्या मानी जाएगी कि 100% हो चुकी है डॉक वालों की तरफ से। आप जितना भी अब उसमें से निकाल के लेके जाओ गोडाउन में रखो, इट्स अप टू यू। वहां के गोडाउन में आप रखना चाहो तो रख सकते हो। कुछ कंडीशंस होती हैं जब ट्रांसपोर्टेशन से कुछ सामान आते हैं ना तो उन्हीं के गोडाउन में पड़े रहते हैं, लोग धीरे धीरे करके लेके जाते हैं, लेकिन वो अपने रिस्क पे रहता है। तो वो डिलीवरी क्या कहलाई? 100%। लेकिन सपोज अगर आप किसी को एक्स क्या करता है, एक सेकेंड एग्जाम्पल, जब हम बेच दे पार्ट में रहे और वो भी पार्टली कहलाएगा डिलीवरी। सपोज एक्स है, उसके पास एक फील्ड है, फील्ड मतलब खेत है जिसमें वो वीट उगाता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वाई को, वाई ने क्या बोला कि मैं तुमसे पूरा का पूरा लूंगा, लेकिन अभी वाई क्या कर रहा है, एक्स से फिलहाल 4 quintal ही ले रहा है। ठीक है, बाकी नहीं ले रहा है, तो अभी वो उसको 4 quintal का पैसे दे रहा है, बाकी का नहीं, जितना भी बचा है फील्ड में। तो ये क्या हो गया? पार्ट डिलीवरी। इसको 100% डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। बहुत सिंपल और बेसिक से एग्जांपल है, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट था उसमें? नो मैम। नेक्स्ट देखो, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ये भी रूल्स आता है कि बायर को बोलना पड़ता है डिलीवरी के लिए। अगर उनके बीच में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट मींस ओरली या रिटर्न कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी होती है बायर की, वो उसको रिमाइंडर करवाए और वो अपने गुड्स की डिलीवरी के लिए खुद से, मतलब उसको उसमें खुद से इनिशिएट लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है रूल में? प्लेस ऑफ डिलीवरी, है ना, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी में फोर्थ क्या था? बायर को डिलीवरी के लिए बताना पड़ेगा। फिफ्थ, प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑब्वियसली डिसाइड करना है कि किस जगह पे किस टाइम पे वो सेल होगा, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सेल। ठीक, फिर नेक्स्ट उसमें वो लोग क्या करते हैं,
अगर वो एग्रीमेंट टू सेल है, अच्छा बताओ सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बिटवीन बताओ मेरे को। हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल में, एग्रीमेंट टू सेल में हम कॉन्ट्रैक्ट के बाद ट्रांसफर करते हैं, मतलब सब कुछ होने के बाद जब हमारा गुड्स डिलीवर्ड होने वाला होता है तब तब करते हैं, करेक्ट। तो एट द टाइम ऑफ सेल में द गुड्स आर सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर लाइंग एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। तो जब डिलीवरी होती है, तो अगर एक्चुअल में सेल हो रहा है तो गुड्स कब डिलीवर करना पड़ेगा उसमें, ठीक उसी समय जब सेल हो रहा है, एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, गुड्स कब डिलीवर करेंगे, इसमें अभी गुड्स डिलीवर्ड होना बाकी है। जैसे इसने बोला कि सब कुछ फॉर्मेलिटीज हो जाएगी उसके बाद लास्ट में, तो एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स अभी डिलीवर्ड होना बाकी है, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक कंडीशन होती है, अगर वो फ्यूचर गुड्स हैं, और यानी मतलब इट मीन्स वो अभी एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, वो अभी बनेंगे, तो ऐसे गुड्स कब डिलीवर्ड होंगे, जब वो मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस हो जाएंगे, जब वो मैन्युफैक्चर्ड हो जाएंगे या फिर प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, प्लेस ऑफ डिलीवरी था इसमें, टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, तो वर्किंग आवर्स पे होना चाहिए, फिर बिजनेस डेज में होना चाहिए, हॉलीडेज में नहीं होना चाहिए, फिर रीजनेबल टाइम में होना चाहिए या रीजनेबल आवर, ऐसे नहीं रात को 12 बजे और 2 बजे बोल रहे हो कि हमको अब डिलीवरी चाहिए। नेक्स्ट देखो, टाइम ऑफ डिलीवरी के बाद एक्नॉलेजमेंट बाय अ थर्ड पर्सन, एक्नॉलेजमेंट बाय अ थर्ड पर्सन, ठीक है। सपोज गुड्स थर्ड पर्सन के पास है, व्हेन गुड्स आर विद थर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ सेल, तब क्या हो जाएगा इसमें, बताओ क्या हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होगा इसमें, जब तक सेलर इसमें बायर को, बताओ क्या होगा इसमें, अभी बताई थी मैं एक एग्जांपल पार्ट डिलीवरी वाले, सॉरी पार्ट डिलीवरी नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कुछ बताई थी ना मैंने अभी एक मीनिंग, बताओ क्या बताई थी मैं उसमें। ये देखो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या बताए, चेंज इन पोजीशन विदाउट एनी चेंज इन एक्चुअल कस्टडी, मींस क्या, ए है उसने गुड्स सेल किए किसको, बाय को, लेकिन ए नहीं दे रहा है उसको गुड्स, ए किसको ने सी को कॉल किया, सी ने उस ए ने सी को बोला कि आप वो गुड्स किसको पहुंचा देना, बी के पास पहुंचा देना, तो चेंज इन पोजीशन विदाउट एनी चेंज इन एक्चुअल कस्टडी, ये बताया था मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। तो देखो जब गुड्स किसी तीसरे पर्सन के पास है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का ही एग्जाम्पल है, तो ऐसे डिलीवरी में सेलर नहीं गुड्स देता है उसको, बायर को कौन देता है, कोई थर्ड पर्सन देता है, और वो थर्ड पर्सन सबसे पहले एक्नॉलेज करता है बायर को, और किसके बोलने पे करता है, वो सेलर के बोलने पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंस जो भी होंगे है ना, वो कौन बॉर करेगा,
सेलर, क्योंकि सेलर क्या करता है अपने प्राइस में ये सारे एक्सपेंसेस जोड़ देता है ऑलरेडी। अगर उन्होंने कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट साइन किया या ओरली या रिटर्न, और वो लोग डिस्कस करते हैं कि डिलीवरी का पैसा तुम दोगे या मैं दूंगा, तो बात अलग है। लेकिन अगर कुछ नहीं है एग्रीमेंट्स, तो एक्सपेंस जो होगा डिलीवरी का वो किसके थ्रू होगा? बाय सेलर। नेक्स्ट देखो, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर गलत डिलीवरी हो जाती है तब क्या होगा? सपोज इसमें तीन चार कंडीशंस होंगी, या तो क्वांटिटी कम आई है, व्हेन क्वांटिटी इज शॉर्ट, तब वो गुड्स क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और जितना आया है उसी का ही प्राइस क्या कर सकता है? पे कर सकता है। ये बायर के ऊपर है। या फिर कभी गुड्स ज्यादा आ गए, व्हेन क्वांटिटी इज इन एक्सेस, सेम एक्सेप्ट करें, या फिर जो एक्सेस में आया है उसको रिजेक्ट करें, या फिर पूरा का पूरा ही कैंसल कर दें। ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट करता है तो वो कौन से रेट मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट रेट में, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी गलती है, तुमने उसको ज्यादा बेचा है। जब क्वांटिटी मिक्स आ जाती है, when the quantity is mixed, तब क्या होता है? गुड्स कुछ मांगे हैं, कुछ और आ रहा है, तो हम उन गुड्स को रख सकते हैं जो अकॉर्डिंगली है कॉन्ट्रैक्ट के, और जो बचा हुआ है जो रेस्ट है, एंड रेस्ट विल बी ये रिजेक्ट कर सकते हैं और वापस बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जब मिक्स होती है, जब क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जब क्वांटिटी कम होती है, तो ये तीन कंडीशंस हैं इसमें। किसी को डाउट है इन कंडीशंस में? बताओ, कोई डाउट है? नो मैम, नहीं। फिर देखो, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज होती हैं, कुछ पोर्शन का भी कुछ पोर्शन बाद में। आप लोग कभी फ्लिपकार्ट या फिर जूम बोल रही हूँ मैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन से कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन, दो तीन चीजें एक साथ? बताओ, कभी कभी ऐसा होता है ना, गुड्स पूरा नहीं आता है। जो अगर हम दो तीन बुक्स एक साथ ऑर्डर कर देते तो पहले एक बुक आती है, एक बुक बाद में। तो डिलीवरीज किस में हो रही है? इंस्टॉलमेंट्स में है। Yes, ma'am. है ना? लेकिन अगर आपने सोचो, लेकिन यहाँ तो गुड्स की बात हो रही है और वो भी सेलर से, तो अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर आपके पास डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में आती है, तो वो बायर के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ठीक, ये किसके ऊपर रहेगा? बायर के ऊपर रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स में आता है, तो अब वो उसके ऊपर है कि वो कितने पोर्शन तक रखना चाहेगा। जैसे सेम इन तीनों कंडीशंस पे हमने स्टडी किया था, सेम उसमें। या फिर कभी कभी क्या होता है, सेलर डिलीवरी ही नहीं करता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कर दिया और सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट बहुत लेट से पे कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सके, कैंसिल कर सके। तो ये थे अपने रूल्स डिलीवरी के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसमें दो तीन पॉइंट्स बचे हुए हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी मीटिंग लेफ्ट हो जाएगी कभी भी।